राज्य के लोग इसी प्रकार से बिजली की समस्या से जूझते रहेंगे। राज्य सरकार क्यों नहीं बिजली की मांग बढ़ने पर इसमें सुधार करती है। बढ़ते तापमान के बीच लोगों की मुसीबतों को और दुगनी कर रहा है बिजली कटौती। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर कब एक्शन लेती है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ बिजली के मांगों में भी तेजी आ जाती है, चाहे वह शहर हो या ग्रामीण। बिजली दोनों क्षेत्रों में समान भूमिका निभाती है। अब बिजली की मांग में तेजी हो और राज्य सरकारों पर अतिरिक्त भार ना पड़े, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्यवासियों को बिजली उपलब्ध कराए। 2023 के चिमचिमाती गर्मी अपने चरम सीमा पर है। अप्रैल का माह चल रहा है, इस समय बिजली की डिमांड और साथ ही बिजली की कटौती भी बढ़ी हुई है। अब राज्य सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन यह एक्शन पिछले साल भी देखा गया था और इस साल भी देखा जा रहा है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में गर्मी के कारण बिजली की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और इसके कारण लोड शेडिंग की भी नौबत आ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार से बातचीत की और जानकारी प्राप्त की। सचिव अविनाश कुमार ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि 300 से 400 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा लगेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इस प्रकार का आदेश तो पिछले साल भी दिसंबर 2022 में हेमंत सरकार ने दिए थे। उस समय हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य में अब बिजली कटौती बंद होगी और राज्यवासियों को बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। उस समय की झारखंड सरकार ने झारखंड को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए खुद हेमंत सरकार ने सरकार की गारंटी पर JBVNL को 750 करोड़ रुपए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लेकिन पिछले साल भी राज्य के लोग बिजली के संकट से जूझ रहे थे और इस साल भी जूझ रहे हैं। क्या राज्य सरकार सच में बिजली पर सुधार कर रही है या फिर एक प्रकार का आश्वासन है? अब फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की काफी ज्यादा कटौती देखी गई। राज्य के लोग इसी प्रकार से बिजली की समस्या से जूझते रहेंगे। राज्य सरकार क्यों नहीं बिजली की मांग बढ़ने पर इसमें सुधार करती है।